दोस्तों सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और इस घंटे को दबाएं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फोन तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारे फोन को किसी और के फोन से अगर कुछ डिफरेंट बनाता है तो वो है हमारा थीम और लॉन्चर। हमारे मोबाइल में थीम और लॉन्चर ही ऐसे चीज होते हैं जो कि हमारे फोन को दूसरे के फोन से बिल्कुल ही अलग बनाता है। तो ऐसे में दोस्तों एक ऐसा लॉन्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके मोबाइल को बहुत ही डिफरेंट बना सकता है और आप उसका यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, साथ ही आपको मजा भी आने वाला है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो कुछ इस तरह का यहां पे नजर आ रहा है। तो आपको इसमें सारे ऐप कुछ जो कि आपको मिल जाते हैं लिस्ट बाय लिस्ट कि कैसे आप ऐप को ओपन कर पाओगे, वैसे नहीं मिलेंगे बल्कि आपको इस तरह से मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का इंटरफेस ये है और यहां पे गूगल प्ले म्यूजिक, एमएक्स प्लेयर, पबजी, सेटिंग, व्हाट्सएप, वाईटी स्टूडियो, यूट्यूब, यहां पे इस तरह से नजर आ रहे होंगे आपको। तो यहां से अगर मैं यूट्यूब को ओपन करना चाहूं तो यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरा यूट्यूब यहां से ओपन होता है। वाईटी स्टूडियो करूंगा तो यहां सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरा सेटिंग ओपन हो जाएगा जो कि बहुत ही अलग तरह का दिख रहा है। तो ये कैसे होगा चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको फटाफट से बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा काम कर देना होगा आपको, इस वीडियो को यहां से लाइक के बटन पे क्लिक करके लाइक कर लो और साथ ही यहां सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लो ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दोस्तों आपको यहां नीचे में आना है और यहां पे कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है LAUNCHER लॉन्चर और लिखकर ऐसे यहां से सेंड कर दो। उसके बाद आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि एप्लीकेशन नहीं वही लॉन्चर है। तो आपको क्या करना होगा, इस टाइटल पे क्लिक करोगे और यहां पे ऐप लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना और करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप उसको ओपन करो। यहां पे इसका नाम है डेजर्ट एजलैंड। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 7 ऑप्शन आपको नजर आएंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहां पे 7 मैंने सेव करके रखा है कुछ इस तरह से, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई और एप्लीकेशन लगाना तो यहां पे ये जो पेड़ दिख रहा होगा आपको साइड में आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहां पे क्लिक करने के बाद आप अपने ऐप को सेलेक्ट कर लो जो भी ऐप आपको चाहिए और उसके बाद यहां से आप गैलरी ओपन हो जाता है। तो यहां से देखो पेन का जो ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक करना है। पेन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि 7 ऐप आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि मैंने यहां से सेलेक्ट करके रखा है। तो आप यहां से 7 को सेलेक्ट कर लो, देख सकते हो गूगल प्ले म्यूजिक, एमएक्स प्लेयर, यहां से ये सिलेक्टेड आइटम है। तो यहां से आप सेलेक्ट करके यहां से टिक कर देना, उसके बाद यहां से आप बैक चले जाओ, सिंपली आपके मोबाइल पे ये इंटरफेस दिखने लगेगा। अब ये कैसे काम करेगा, आपका मोबाइल दोनों तरह से काम करेगा, आपके मोबाइल में डिफॉल्ट लॉन्चर भी रहेगा और वो भी रहेगा। यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, लेकिन मैं जैसे ही यहां पे ऐसे करता हूं तो यहां पे डेजर्ट एजलैंड का ऑप्शन आया, इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा मोबाइल कुछ इस तरह का हो जाएगा। कई बार होता है कि हम अपने फोन से थोड़ा बोर हो जाते हैं तो ऐसे में ये चीज आपकी हेल्प करने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये लॉन्चर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो उससे पहले एक काम कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो।